हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नदीम इकबाल है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ DVR में हार्ड डिस्क किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको खोलने के लिए अपने को लगेंगे एक स्क्रू ड्राइवर 4 पॉइंट वाला। ठीक है, इसके अंदर चार स्क्रू होते हैं, चार स्क्रू अपने को खोलना पड़ेगा। एक ये बैक साइड से आएगा और ये बैक साइड से एक आएगा और एक ये साइड से आएगा। इसको खोलने के बाद में इसका जो कवर है वो निकालना है। इसका जो कवर है इस तरीके से ऊपर उठा के इसको बाहर निकालना है। ठीक है, अभी देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे बैठती है आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, ये है साटा केबल जो डाटा के लिए यूज़ में होता है। ये देखिए इस तरीके से होता है, इसको साटा केबल बोलते हैं। और ये साटा पावर होता है जो हार्ड डिस्क को जिससे पावर मिलता है। ये साटा हार्ड डिस्क देखिए, इसके अंदर वैसी छोटी वाली एक केबल है जो साटा इसके लिए यूज़ होता है डाटा के लिए, और ये वाली जो है साटा पावर के लिए यूज़ होती है। ये साटा पावर यहाँ पे लगेंगी और साटा डाटा के लिए यहाँ पे लगेंगी। ठीक है, इसको लगाना कैसा है देखो फैन, साटा पावर लगेगा वहाँ पे। हाँ, इसमें देखना है, इसमें ये जो है ये यहाँ पे आए, नहीं तो ये टूटने के फुल चांसेस रहेंगे। ये देखो इस तरीके से लॉक हो गया ये। अभी इसको नीचे नहीं करना है, नीचे करेंगे आप तो आपके हार्ड डिस्क ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, और उसी 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 तरह से बाजू वाली साइड में ये देखिए, ये जो ऊपर नीचे वाला जो गया है इस पर सही यहाँ पर लगना चाहिए। उसी तरीके से आपको पावर लगा साटा वाला लगाना, साटा केबल लगाना है। इसको ऐसी रख के साइड में करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार स्क्रू आ जाएंगे, चार स्क्रू यहाँ पे लग जाएंगे। इस तरीके से हो गया आपके हार्ड डिस्क। फिर आपको फिर से वो कवर रिमूव कर लगाना है। और देखिए फ्रेंड, इस तरीके से लगता है, ये हो गया आपका DVR रेडी विद हार्ड डिस्क। थैंक यू फ्रेंड।